और गाइस तो आज हम उतरते हैं मिल्टा पावर पे, और मिल्टा पावर में उतर के मैं ढूंढता हूँ एक गन, और मुझे मिलता है एक विक्टर, और विक्टर के साथ साथ मिलता है एक स्कारल, और मैं दो गन लेके सीधा पुश कर देता हूँ इस साइड में क्योंकि इधर आए तो दो बंदे, और आते ही मुझे मिलता है एक निहत्ता बंदा जिसको मैं कर देता हूँ नॉक। अभी इसका दूसरे टीममेट को देखना, ऐसे भाग रहा था जैसे इसके पिछवाड़े में कोई आग लगा दिया हो, तो इसका आग बुझा दिया। नॉक करने के बाद मैं जाता हूँ इसको फिनिश करने। फिनिश करके मैं जाता हूँ पहला वाला बंदे को लूटने। और जब भी मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ मुझे आता है फुटस्टेप, और ये था यही स्क्वाड का तीसरा बंदा जिसको मैं कर दिया हूँ। अभी इसको भी करते हैं फिनिश। और ये है वो बंदा जिसका कान में आग लगा था, तो ये यहाँ पर नॉक होके पड़ा था, इसको भी ख़त्म कर दिया। अभी थोड़ा लूट के हम बगी लेकर जा ही रहे थे जोन के तरफ, तभी मुझे शेल्टर के इधर दिखते दो बंदे, और मैं दोनों को कर देता हूँ नॉक। और नॉक करके मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कोई और बंदा है कि नहीं, फिर इन दोनों को फिनिश करता हूँ, और तब मुझे फायर आता है। अब मुझे अच्छे से ये नहीं पता चलता कि कहाँ से फायर आया था, तो मेरा HP थोड़ा लो हो गया था, मैं हील करके बगी लेके निकलते दूसरे वाला गेट के तरफ जा ही रहे थे शेल्टर के, और जाते ही मुझे दिखता है वो बंदा जो मुझे फायर दे रहा था पहले से, और ये था वो स्क्वाड का लास्ट बंदा। और यहाँ पर ये वाला स्क्वाड ख़त्म हो गया, स्क्वाड ही मतलब तीन बंदे थे ख़त्म हो गए। अभी इनको थोड़ा लूट के मैं जा रहा था जोन में फिर से बगी लेके, और अपार्टमेंट की तरफ से फायर आ रहा था, और तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है, मैं उसको मारने जाता हूँ, देखता हूँ कि 6x फुल है, तो मैं उसको 3x कर लेता हूँ, और फिर बदले बोलता स्प्रे। अभी ये स्प्रे देख के ये मत समझना कि मेरा स्प्रे गंदा है, थोड़ा सा देख लो मजा आ जाएगा। अभी और इस बंदे को नॉक करके, अभी नॉक करके थोड़ा हील करके हम बगी लेके सीधा उसके ऊपर जाते हैं उसको फिनिश करने। और जब मैं उसके पास पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कुछ बोल रहा था हॉल में। सॉरी भाई। तो मैं भी अपना माइक ऑन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा टीममेट कहाँ पे, और तभी वो बंदा क्या करता है आप लोग देखो। अरे भाई गन वगैरह सब दे दिया, लेकिन कपड़ा वपड़ा उतारने का क्या मतलब है भाई, ऐसे तुम थोड़ी ना रिवाइव हो जाओगे मेरे से। देखो पूरा नंगा हो गया भाई बंदा। फिर इसको ख़त्म करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा पीछे भी बंदा है, मैं थोड़ा इधर देख रहा था कि बंदे है कि नहीं, और तभी देखो मुझे दिखते हुए पेड़ के पास एक बंदा। अब मुझे जाना था जोन में, लेकिन यहाँ पर एक बंदा था, अभी इसको बिना मार के तो मैं जाऊँगा नहीं, तो इधर मैं थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, वो बंदा कब मुझे मारने का कोशिश करेगा और मैं उसको मारूँगा, तो मैं उसको थोड़ा प्री फायर देता हूँ, लेकिन बंदा कवर में रहता है। फिर मैं पीछे आकर थोड़ा इसके बॉडी से जो बंदा वो कपड़ा उपड़ा उतार दिया था उसके बॉडी से थोड़ा लूट लेता हूँ 5 हूँ, और लूट के मैं फिर से एक मेरा पोजीशन पर चला जाता हूँ क्योंकि पीछे वाले बंदे को मारना था, और मैं उसके ऊपर पूरा हार्ड पिक में रहता हूँ। फिर जोन आ जाता है, मैं थोड़ा बूस्ट कर लेता हूँ, बूस्ट करते ही मुझे दिखता है सामने एक बंदा जो कि इसका टीममेट था, वो पीछे से आ रहा था जोन में, उसको कर देता हूँ और पूरा फिनिश ही कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं उस बंदों को भी थोड़ा देखता हूँ कि वो देखो उसका टीममेट को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया लेकिन बंदा पीक नहीं दिया। फिर थोड़ा सा और होल्ड करने के बाद वो बंदा आ ही जाता है, और ये उसको कर दिया ख़त्म। अभी हम बगी लेके जा रहे थे जोन में, और जोन में जाते जाते जब मैं रोजॉक के हिल पे पहुंचा तब मुझे दिखा एक गाड़ी है, और गाड़ी में तो 3 है, तो मैं स्प्रे देकर 2 को नॉक कर देता हूँ, और बचा रहता है एक बंदा, तो मैं जल्दी जल्दी रोजॉक के हिल के ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि वो बंदा इस घर की तरफ आ रहा था बीच में से, तो मैं सोचा कि
ऊपर से उसको मार दूंगा, लेकिन ऊपर से वो बंदा दिखता नहीं। अब मैं इतना दूर आ गया था कि गाड़ी फिर से वापस लेने नहीं जा सकता था, क्योंकि नहीं तो वो पूरा एकदम रिवाइव होके हील वगैरह कर लेगा, तो मेरे लिए ही दिक्कत होगा। इसलिए मैं भाग के पुश कर देता हूँ उनके ऊपर। और जाके मुझे यहाँ पर फुटस्टेप आता है, तो मैं फ्री फायर के लिए पूरी स्कोप ऑन करता हूँ, लेकिन वो बंदा आता नहीं। तो मैं दूसरे साइड जब भी आता हूँ, मुझे दिखता है कि वो बंदा आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं उसको कर देता हूँ नॉक। और उसको नॉक करने के बाद उसका टीममेट भी पीछे से आता है, उसको भी कर देता हूँ ख़त्म। अभी यहाँ पर इनको ख़त्म करके थोड़ा हील करके मैं जोन जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप मिला, तो मैं सोचा थोड़ा लूट ही लेता हूँ। और ड्रॉप में मिला मुझे AWM। अभी मैं सोच लिया था कि AWM मिल गया जोन के लास्ट में, बचा था 3 बंदे, तो अभी जितना किल होगा AWM से ही करेंगे। ये सोच के मैं जा ही रहा था जोन में, तभी मुझे दिखता एक बंदा और उसको मैं दे देता हूँ हेडशॉट। उसको हेडशॉट देने के बाद मैं बगी लेके फिर से जोन में ही जा रहा था। मैं तब से मैं जोन में ही जा रहा हूँ। जोन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जा रहा हूँ जोन में। फिर मैं जोन पहुँचने के बाद जब ये शूटिंग रेंज के बगल से जा रहा था, तब मुझे फुटस्टेप आता है एक, तो मैं गाड़ी रोक के सीधा उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। और मुझे वो बंदा दिखते कि सामने लेटा हुआ है, तो मैं AWM का शॉट देता हूँ, लेकिन वो बंदे को बॉडी लगता है और वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। फिर दूसरा शॉट किया मिस, ये ब्लैक हेडशॉट। अभी देखना भाई क्या होता है, आप लोग देखना। 2 बंदे बचे हैं, एक मैं और एक दूसरा, ठीक है। अगर उसको मैं मार दिया तो मेरा चिकन डिनर निकल जाएगा, और अगर वो मुझे मार दिया तो उसका चिकन डिनर निकल जाएगा। तो उसको ढूंढते ढूंढते जोन छोटा होता गया और होता गया, पूरा हो गया। और अभी मैं लास्ट इधर आके जब रुका था उसको ढूंढने के लिए, तभी देखो चिकन डिनर। अभी बात यह है कि वो बंदा, सबको लग रहा होगा कि जोन में मर गया। आप एक बात बताओ, अगर जोन में मर जाता तो इधर फिर किल फीड में तो आता ही ना। आप लोग किल फीड चेक कर लो, अगर कुछ दिखा दिया तो आप कमेंट करके बताओ। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।